गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, लास्ट क्लास में हमने मीडियन पढ़ लिया था, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, हमने सब टॉपिक खत्म कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट, दैट इज मूड। देखो, बहुत ईजी चैप्टर है, आप लोग बचपन से पढ़ते भी आए होंगे मूड के बारे में, तो मेन मीडियन मूड के बारे में। तो आज मैं कोई मूड सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें दो मैथड होते हैं बेटा, एक तो होता है इंस्पेक्शन मैथड और एक होता है ग्रुपिंग मैथड। तो दो मेथड हमें पढ़ने हैं बच्चों, एक तो पढ़ना है इंस्पेक्शन मेथड और एक हमें पढ़ना है ग्रुपिंग मेथड। तो हम इंस्पेक्शन मेथड की अगर मैं बात करूं, तो मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हो वो कहलाती है हमारा मूड। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है तो कहलाएगी हमारा मूड। तो अगर मैं इंस्पेक्शन मेथड की बात करूं, तो मैंने क्वेश्चन लेके करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे एक न्यूमेरिकल दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे आपको इंस्पेक्शन मेथड आ जाएगा और बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल है। तो देखो, 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 21, 20, 23, 22, 22, 22. तो पहले मैं डेटा को अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने अरेंज करा, देखो पहले डेटा को, या फिर आप डायरेक्टली देख लो बेटा, इसको अरेंज कर लो ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं लिखता हूँ 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी सर, 22 नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो एज पर इंस्पेक्शन मेथड हमारा मोड क्या हो गया बेटा, 22। तो बहुत आसान था इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकालना कि सर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोड एज पर इंस्पेक्शन मेथड। अब मेन चीज़ कौन सी आती है बच्चों, मेन चीज़ आती है बेटा ग्रुपिंग मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं ग्रुपिंग मेथड स्टार्ट कराने से पहले आपका एक बेस बनाने की कोशिश करूँगा, बट वो बेस कैसे बनेगा, क्या होगा, वो सब आप एक बार बस देखना, फिर जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तब वो पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रुपिंग मेथड में बेटा हमें 6 रो बनानी होती है, 6 टेबल बनानी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितनी बनानी है बेटा, 6। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो एक की तो एक, दो दो की दो, तीन तीन की तीन। सर क्या बात बोली आपने, मैंने कहा जो पहली टेबल होगी उसमें क्या करना, आप डायरेक्ट हाईएस्ट वैल्यू को सर्कल कर लेना, जो डायरेक्ट हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है ना उसको सर्कल कर लेना, तो वो पहली बन जाएगी। और जो अगली दो बनेगी, सेकंड और थर्ड, वो बनेगी बेटा दो दो के पेयर की। मतलब पहले ये दो, फिर ये दो, और अगली जो तीन बनेगी वो बनेगी बेटा तीन तीन के पेयर की। मतलब मेरा कहने का मतलब, पहली कितने बनेगी बेटा, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट में तो आप डायरेक्टली चूज कर लेना कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लेकिन सर जो सेकंड और थर्ड बनेगी वो बनेगी दो दो पेयर की, ठीक है। तो एक की तो एक, दो की दो, दो की दो और तीन की तीन। मतलब इस तरीके से हमें 6 बनानी है। तो फर्स्ट में तो आप डायरेक्टली हाईएस्ट वैल्यू देखना, सेकंड बच्चों क्या करना, दो दो पेयर की बनानी है सेकंड और थर्ड। तो पहला ऊपर से, अब तीसरा जो बनेगा दो दो का, तो एक छोड़ के आया बेटा, तो 1, 2, 3 आ गई। अब 4, 5, 6 बनानी है, कितने की बनेगी बेटा, तीन तीन पेयर की। तो पहला तो ऊपर से चालू करेंगे, नेक्स्ट वाला एक छोड़ के चालू करेंगे, और नेक्स्ट वाला फिर दो छोड़ के चालू करेंगे। अगर मैं सिंपल बोलूँ बेटा, तो कितनी कॉलम बनती है, 6 कॉलम बनेगी सर। पहले वाली में डायरेक्टली जो हाईएस्ट है उसको ले लेंगे अपन, सेकंड और थर्ड बनेगा दो दो पेयर का, और 4, 5, 6 बनेगा बेटा तीन तीन पेयर का, सिंपल। और सर सेकंड और थर्ड बनेगा, पहला तो ऊपर से, थर्ड वाला एक छोड़ के, 4, 5, 6 में पहला तो ऊपर से, फिफ्थ वाला एक छोड़ के और सिक्स वाला दो छोड़ के। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, अजीब अजीब सी। मैंने कहा रुको, अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा, फिर आपको मेरी बातें अजीब अजीब सी नहीं लगेगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि सर हमें समझ में आ गया। चलो हम देखते हैं बेटा, इस वाली चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, चलो देखो, मुझे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, मुझे बेटा साइज गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
मुझे क्या गिवन है बेटा, ये साइज गिवन है 2, 3, 4, ठीक है बच्चों। मुझे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, क्या गिवन है बेटा, 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1, ये मुझे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है बच्चों। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको निकालने की, किसको, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करने की। तो बेटा जो फ्री, ये तो फर्स्ट टेबल हो जाएगी मेरी डायरेक्ट। मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी वाली को फर्स्ट अपन मान लेंगे और उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है डायरेक्ट उसको गोला कर लेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है बच्चों मेरी, 17। अब सर जो सेकंड और थर्ड बनेगी वो बनेगी सर दो दो पेयर की। तो मैं सेकंड बनाने की कोशिश करता हूँ पहले। तो बेटा 3 + 8 = 11, 10 + 12 = 22, 16 और 14 = 30, दो दो की बन रही बेटा, 10 और 8 = 18, 17 और 5 = 22, 4 और 1 = 5। तो मैंने दो दो की बना दी और इसमें जो हाईएस्ट है उसको गोला कर लो। सिमिलरली बेटा मैं थर्ड बनाऊंगा, तो मैंने बताया था सेकंड और थर्ड बनेगी दो दो की। अब सर ये तो ऊपर से चालू हुआ, तो ये चालू होगा एक छोड़कर। तो बेटा 8 और 10 = 18, 12 और 16 = 28, 14 और 10 = 24, 17 और 8 = 25, 5 और 4 = 9। अब बच गया तो छोड़ दो, दो का पेयर नहीं बन रहा। तो बेटा क्लियर हुआ हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 28। मतलब पहले वाले में डायरेक्ट हाईएस्ट, सेकंड और थर्ड बनेगा दो दो का, मतलब एक का एक, दो के दो, तीन के तीन, ठीक है। तो बेटा जो बनाया अपन ने सेकंड में दो दो का बनाओ, पहला वाला तो ऊपर से, दूसरा एक छोड़ के। अब बेटा 4, 5, 6 ये कितने कितने के बनेंगे बच्चों, तीन तीन के। और कैसे कैसे बनेंगे, पहला देखो ये आएगा 3, 8, 10, तो कितना हुआ बेटा 18, 21। फिर आएगा बेटा ये तीनों 12, 16, 14, तो ये कितना हुआ 30, 40, 42, 10, 8, 17, तो कितना हुआ 27 और 8, 35। फिर आया बेटा 5, 4, 1, तो कितना हो गया बच्चों 10। और इसमें हाईएस्ट कितना है बेटा 42, हाईएस्ट कितना है बेटा 42। क्लियर हुआ बेटा ये हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी अपनी 42, तीन तीन के बने। अब सर आपने बोला था कि अगले दो 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 के बनेंगे और अगले तीन 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 के बनेंगे, तो बेटा ये ऊपर से चालू हुआ फिफ्थ वाला एक छोड़ के, मतलब सर ये हुआ 8, 10 और 12, मतलब करो बेटा 20 + 10 = 30, फिर 16, 14, 10, तो बेटा कितना हुआ 40। और बेटा फिर 8, 17, 5, 8, 17, 5, तो 22 और 8, 30, बेटा ये कितने के बन गए अपने, तीन तीन के पेयर फ्रेम हो गए। और इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा अपनी 4040, जो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सर मैं सिक्स कॉलम की बात करूं तो ये भी तीन तीन का बनेगा, लेकिन सर अब यहाँ एक छोड़कर तो यहाँ दो छोड़कर, मतलब बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर 10, 12, 16, तो कितना हुआ बेटा ये 22, 20, 38, 14, 10, 8, 14, 10, 8, तो बेटा 18, 22, 32, और 17, 5, 4, 17, 5, 4 बना लेना 22, 26, और हाईएस्ट कितना है बेटा 38। इस तरीके से हम हमारी टेबल को फ्रेम कर लेंगे। मतलब कितने कॉलम बनाए बेटा अपन ने, 6, पहले वाले में डायरेक्टली हाईएस्ट, सेकंड वाले में ऊपर से स्टार्ट किया, थर्ड वाले में दो दो के बनेंगे सेकंड थर्ड, बट पहले वाला ऊपर से, दूसरा वाला एक छोड़ के, और सर फिर 4, 5, 6, पहला वाला ऊपर से, दूसरा वाला एक छोड़ के, और तीसरा वाला दो छोड़ के। तो आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक मतलब सर ये अपने क्या बनाई, ग्रुपिंग की टेबल बना ली। अब इससे आंसर तो आया नहीं हमारा, तो देखो अब बनाएंगे हम एनालिसिस टेबल। अब हम क्या फ्रेम करेंगे बच्चों, एनालिसिस टेबल। तो देखो इसको आप लोग उतार लीजिए। अब इसको उतारने के बाद मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं रब कर रहा हूँ इसको बेटा एनालिसिस टेबल बनाने के लिए, ठीक है। उतार लिया आप सभी ने, एनालिसिस टेबल हम बनाने वाले हैं, तो इसको मैं पूरी को रब कर देता हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आपने कॉलम्स लिखे थे ना ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको तो उतारो हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से, मतलब जो कॉलम आपने ऊपर लिखे थे उसको यहाँ उतार लो ऐसे, 1
टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, और जो हमारी साइज थी उसको यहाँ उतार लो, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कहाँ तक है बेटा ये? रिवर्स क्वेश्चन मैंने दब कर दिया इसलिए मैं देख लेता हूँ एक बार। सर ये है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, अरे इलेवन तो गया, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, तो मैंने साइज को यहाँ उतार दिया। अब कैसे चेक करेंगे मुझे बताओ, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है? तो आपने बोला सर हाईएस्ट आ रही है 17, तो वो बेटा हाईएस्ट के कौन सी साइज के सामने है? तो सर वो 17 सामने है 10 के, तो 10 के आगे अपन एक टिक लगा लेंगे। क्लियर हुआ? कैसे देखा? मतलब वो 17 आ रही है ना हाईएस्ट, वो कौन सी साइज के सामने है? किसके सामने बेटा? 10 के सामने, तो मैंने वहाँ पर टिक लगा लिया। अब मैं बात करूँ बेटा नेक्स्ट कॉलम में, तो हाईएस्ट वैल्यू है बेटा 30। अब वो 30 दो चीज़ों को जोड़कर आई है, और वो दो कौन कौन सी चीज़ें थी? सर सिक्स और सेवन्थ की फ्रीक्वेंसी को जोड़कर। तो बेटा सिक्स और सेवन्थ के अंदर क्या लगा देंगे अपन? टिक लगा देंगे इस तरीके से। बेटा थर्ड कॉलम में अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट कितनी है? 28। और सर वो कौन कौन से कॉलम को जोड़कर आई? 12 + 16, मतलब फिफ्थ और सिक्स को जोड़कर। तो बच्चों फिफ्थ और सिक्स के बाद अपन टिक लगा देंगे। समझ आ रहा है? मतलब आपको देखना हाईएस्ट वैल्यू, वो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी साइज के अंदर से निकल कर आई है। बेटा एक है तो एक होगी, दो को जोड़ा है तो दोनों साइज में टिक लगेगा, तीनों को जोड़ा है तो तीनों साइज में टिक लगेगा। बेटा नेक्स्ट देखो, फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट है बेटा 42, और ये था 5, 6, 7 के सामने, 5, 6, 7 के सामने। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट था बेटा 40, ये था 6, 7, 8 के सामने, 6, 7, 8 के सामने। और लास्ट कॉलम में हाईएस्ट था बेटा 38, ये था बेटा 4, 5, 6 के सामने, 4, 5, 6 के सामने। नंबर ऑफ टिक्स काउंट करते हैं बेटा, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 और 1। बेटा मेरा मोड कितना हो गया? आंसर हो गया मेरा मोड हो गया 6। मेरा मोड कितना हो गया बच्चों? 6। तो मेरा मोड कितना निकल कर आया बेटा? 6। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मोड फाइंड आउट कर दिया। तो आई होप आपको मोड निकालना आया होगा ग्रुपिंग मेथड से। क्लियर होता है? सर एक और क्वेश्चन कराओ ऐसे वाला। मैंने कहा ठीक है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी रिक्वेस्ट है तो मोड निकालने का एक और क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले इसको आप बना लीजिए, इसको और एनालिसिस टेबल को, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी। जिसको नहीं आया वो दोबारा सीख लेना बेटा, मैं ग्रुपिंग मेथड से करा रहा हूँ बेटा एक और क्वेश्चन। तो देखो मुझे वेट दे रखा है 50 स्टूडेंट्स का, मैं लिखता हूँ बेटा वेट 48, 49, 50, 51, 52, 53। मुझे बेटा फ्रीक्वेंसी की मैंने, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4, 10, 20, 11, 3, 2। तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो हाईएस्ट कितना है इसमें? 20 डायरेक्टली आ गया। क्लियर? अब सर सेकंड बनाएंगे, सेकंड कितने का बनेगा? दो दो का, तो सर 4 और 10, 14, ये कितना हो गया बेटा? 31, और ये 3 और 2, 5। बेटा थर्ड कॉलम में बनाऊँ तो इसको हाईएस्ट कितना है? 31। सर एक छोड़ के, तो 10 और 20 बेटा 30, 11 और 3 बेटा 14, तो हाईएस्ट कितना? समझ आया बेटा? एक का एक, दो के दो दो। अब बना दो बेटा थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम कितने का बनेगा? 3 का, तो बेटा 4, 10, 20 कितना हुआ बेटा ये? 34, 11, 3, 2 बेटा कितना हुआ? 11, 3, 14, 15, 16। क्लियर बेटा? फिफ्थ कॉलम अगर मैं बनाऊँ सर तो एक छोड़ के, तो फोर छोड़ दो बेटा कहाँ से? 10, 20, 11, 10, 20, 11 कितना हुआ बेटा? 41, फिर एक ही बनेगा। और सिक्स में अगर बात करूँ तो बेटा दो छोड़ के, तो बेटा 20, 11, 3, 20, 11, 3 कितना हुआ बेटा? 31, 34, और ये अपना हाईएस्ट हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से अपन ने बना लिया, मतलब पहले वाले में डायरेक्ट हाईएस्ट, सेकंड वाले में दो दो के, थर्ड वाले में दो के बट एक छोड़ के, फोर्थ वाले में 3 के ऊपर से, फिफ्थ में 3 के एक छोड़ के, सिक्स में 3 के दो छोड़ के। अब मैं बात करता हूँ बेटा एनालिसिस टेबल की, तो मैं यही बना लेता हूँ पास में, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, छोटी सी बना लेता हूँ फटाफट से। तो मैं लिखता हूँ बेटा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक बार आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ रहेगा तो मैं क्लैरिफाई कर पाऊँगा आपको।
ठीक है बच्चों, अब मैं वेट लिखता हूँ 48, 49, 50, 51, 52 और 53। अब मुझे बताओ फर्स्ट में हाईएस्ट है 20, किसके सामने आया? 50 के सामने, मैंने यहाँ टिक लगा दिया। सेकंड में हाईएस्ट है 31, किसके सामने आया सर? 50 और 51 के सामने, तो 50 और 51 मैंने टिक लगा दिया। थर्ड में हाईएस्ट है बेटा 30, किसके सामने आ रहा है? 49 और 50 के सामने, 49 और 50। फोर्थ में आइए से 34, इन तीनों के सामने 48 49 50 48 49 50। इसमें आइए से 41, इन तीनों के सामने 49 50 51, तो सर 49 50 और 51। और इसमें आइए से 34, 50 51 52। ये आया बेटा 50 51 52। अब काउंट करते हैं, ये 1 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 1। बेटा मेरा मोड कितना हो गया? सर मेरा मोड हो गया 5050। चलो इसको नोट डाउन कर लो। ये अपन ने मोड निकालना सीखा बेटा किससे? ग्रुपिंग मेथड से। आई होप आपको ग्रुपिंग मेथड समझ में आया होगा, बहुत ही आसान मेथड है। देखो पहले आपको ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा एनालिसिस टेबल। तो आई होप इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, ठीक है बच्चों। अब अपन सीखेंगे बेटा फॉर्मूला वाला पार्ट कि सर फॉर्मूले से भी तो मोड निकाल सकते हैं। मैंने कब मना किया आपको? फॉर्मूला भी होता है मोड निकालने का, तो सर फॉर्मूले से कैसे हम मोड निकालेंगे वो सिखाइए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अपन ये क्वेश्चन अब वाला भी ट्राई करेंगे कि हम फॉर्मूले से कैसे मोड निकालेंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखना बेटा, मोड होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको रट लो और एग्जाम तक याद करके चले जाना, और जैसे एग्जाम में बैठो फिर इसको भूल जाना। फिर याद कर रहे हो फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला ही भूल गए, क्वेश्चन ही गलत हो गया। मैं आपको इस फॉर्मूला को याद करने का सिंपल सा तरीका सिखाता हूँ, देखना। छोड़ो इस तरीके को, मेरे तरीका देखना। मैंने बेटा आपको कहा सिंपल सा याद करो, 10/102 क्या फॉर्मूला है सर? 10/102 खत्म। मोड का फॉर्मूला क्या है? 10 / 102 सर इतना आसान? मैंने कहा हाँ, अब क्या करो f दे दो, ये हो गया f1, ये f0 f1 f0 f2, माइनस 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 खत्म। यहाँ लगा दो l प्लस इंटू आई। बस ध्यान रखना यहाँ पे 2f1 आता है, यहाँ 2 लगाना मत भूलना। तो जो कैसे बनाया देखना एक बार दोबारा। सर बिल्कुल बताओ एक बार। मैंने कहा बहुत आसान है, क्यों रटते हो? मोड का फॉर्मूला है बच्चों l प्लस 10/102 दैट इज f1 माइनस f0 माइनस f2, यहाँ लग जाएगा 2 और यहाँ जाएगा बेटा आई। तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। इस तरीके से हम हमारा मोड फाइंड आउट कर लेंगे। देखो करते हैं एक न्यूमेरिकल और हम मोड निकालने की कोशिश करते हैं। चलो सर बताइए कौन सा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। देखो बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 2 5 7 5 2। अब मुझे मोड निकालना है। पहली चीज, मैं सर इनमें से कौन सी वाली वैल्यू लूंगा? बेटा जिसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी ना वो वाली लाइन अपन चूज कर लेंगे। मैंने इसको चूज कर लिया, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, इसको तो मैं चूज कर लूंगा ठीक है, लेकिन सर कभी कभी अगर दो हाईएस्ट वैल्यू दे रखी होगी उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में पहले अपन को ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। चलो अपन पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। तो सर अब मैं किसको चूज कर रहा हूँ? इसको बेटा, जिसको आपने चूज करा ना वो क्या होता है? एफ वन होता है। ये क्या है बेटा? मेरा एफ वन। बेटा काउंटिंग कैसे चालू होती है? सर ऊपर 0 आता है और नीचे 2 आता है, तो बस 0 1 2। बस ये ध्यान रखना जिसको चूज किया वो एफ वन होगा।
L ये हो ही जाएगा लोअर लिमिट। तो बच्चों L कितना है मेरा सर 20, सर F1 कितना है 7, सर F0 कितना है 5, सर 2F1 कितना है 14, सर F0 कितना है 5, सर F2 कितना है 5, सर I कितना है 10। ये कितना हुआ बच्चों 20 प्लस 2 अपॉन 4 इंटू 10, तो ये कितना हुआ बेटा 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 5। तो बेटा कितना आंसर मेरा 20 प्लस 5 दैट इज 25। मैंने बड़ी ही आसानी से मोड निकाल दिया और मोड कितना निकल कर आया बच्चों सर 2 5 25। आई होप इस वाले पार्ट में आपको किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देखो कितना आसानी से अपन ने मोड निकाल दिया। इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको फ्रेम कर सकते हो 10 डिवाइडेड बाई 102। आई होप आपको यहाँ तक के पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो हम मोड का ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको और आगे लेके चलेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे मोड को। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो मुझसे पूछ सकता है। आप में से किसी बच्चे का कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, मुझे लगता ही नहीं एकलव्य का कोई 11th का बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है। तो आपको कोई डाउट रहे, किसी को अच्छाई करनी हो तो अच्छाई कर दो, बुराई करनी है तो बुराई कर दो। लगता हो कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं और अच्छी कोशिश करूँगा। बट आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। ऑल ऑफ थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।